गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक जिम्मेदारी ली है पूरी दिल्ली में जितनी भी माशाल्लाह फेमस निहारी हैं उसका जायका आप तक पहुंचाने के लिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ आज एक बहुत पुरानी निहारी वालों के पास, जो कि कम से कम 100 साल पुरानी निहारी है, जो कि अपना ये आज़ादी के टाइम से पहले की निहारी है। तो माशाल्लाह मैं एक ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ जो निहारी है, ये है बाड़ा हिंदू राव में, और निहारी बहुत ज़्यादा फेमस है रफीक निहारी के नाम से। आपका नाम रफीक है। तो निहारी किस तरह सर्व करते हैं, क्या क्या सर्व करते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इधर सेटअप बना हुआ है ये शाम की निहारी के लिए सेटअप बना हुआ है। इधर ये शाम में निहारी सर्व करते हैं और इसके जस्ट सामने ये सुबह में निहारी सर्व की जाएगी, और इस सुबह में सर्व की जाएगी लेकिन अभी भी ये कुक हो रही है। और इसके बिल्कुल सामने है अपना ये रोटी का सेटअप। तो गाइस बेसिकली ये सुबह में सेटअप अलग रखते हैं और शाम में अलग रखते हैं। आज हमसे मुखातिफ हैं हाजी रफीक साहब, जो इतनी शानदार निहारी लेकर बैठे हैं, जिन्होंने अपने जायके से पूरी दिल्ली में धूम मचाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी थोड़ा टाइम निकाल कर इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपनी ये निहारी कितनी पुरानी है? देखो ये पुरानी की तो ये बात है, मैं हिसाब लगा नहीं सकता कितनी पुरानी है। ये कदीमी निहारी वाले हैं हम, मेरे को करते इस काम को 40 साल हो गए। उससे पहले हमारे वालिद यही काम करते थे, उनके वालिद भी यही काम किया करते थे हमारे दादा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के नहीं, हम 100 साल पुराने समझो हारी वाले हैं, कदीमी हम सारे रिश्तेदार सारे हमारे यही काम करते हैं। आज़ादी से पहले से, पार्टीशन के बनने से पहले से ही ये काम करते आ रहे हैं। और आप तक अल्लाह ने इज्जत दी है, नाम दिया है, काम भी दिया है, नाम ही शोहरत सब कुछ है माशाल्लाह। तो टाइमिंग क्या है अपनी? इस टाइम शाम की टाइमिंग होती है 6 बजे से 9:30 बजे तक, और सुबह मॉर्निंग में होती है 6 से 9:30 तक। क्या क्या सर्व करते हैं उसमें? नली भाई वगैरह, नली है, नहारी है, वरना भेजा है, मगज है बकरे का, देसी घी का बघार भी लगता है। तो गाइस माशाल्लाह कंटिन्यू निहारी सर्व की जा रही है। ये देखें गाइस, जब से मैं आई हूँ लगातार निहारी सर्व की जा रही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डलने वाली चीज़ें, ये है हरी मिर्च और अदरक। तो आप इसकी क्वांटिटी देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा निहारी यहाँ से निकलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा लोग यहाँ की निहारी को पसंद करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग पैकिंग करा कर ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी शानदार निहारी है तो हर कोई नहीं चाहता कि फैमिली को लेकर यहाँ पर आए, लेकिन निहारी पैक करा कर ले जाते हैं और साथ में फैमिली के बैठकर एंजॉय करते हैं। ये देखें सब, ये गई इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक। हरी मिर्च और अदरक से निहारी की खूबसूरती खुद ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस देखिए दूसरी पैकिंग की इधर तैयारी चल रही है। सबसे पहले इसका गोश्त देखें जरा कितना पिंक है। इसकी जो क्वालिटी होती है सबसे ज़रूरी वही होती है। देखिए अच्छा खाना बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अच्छा गोश्त, अच्छी नीयत और बहुत अच्छा सेफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों क्वालिटी यहाँ पर हैं। ये देखिए, और ये देखें गाइस धीरे पीछे कितना ज्यादा रश बढ़ गया है, और इधर कंटिन्यू पैकिंग चल रही है। ये देखिए एक और बाउल इधर तैयार है। ये देखे गाइस, और इधर देखिए गाइस लोग वेटिंग में हैं। ये देखिए तो गाइस जो एक चीज मैं आपको बता दूंगी, ये जो व्हाइट कलर के डब्बे हैं इसमें जितनी भी पैकिंग जा रही है वो आसपास की नहीं, काफी दूर दूर की ये पैकिंग है। तो ये देखिए ये आसपास की नहीं है। एक चीज और है कि ओखला जो है खुद में एक खजाना है खाने का, वहां पर हर कदम पर एक से एक शानदार खाने मिलते हैं, लेकिन ये जो रफीक साहब हैं, हाजी रफीक साहब हैं, इनकी निहारी के वहां पर भी इतने लोग दीवाने हैं कि इस तरह वो पैकिंग करके और वहां पर मंगवाते हैं। कहने के लिए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े नाम है निहारी के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बड़ा नाम लेकर बैठे हैं वो अच्छा टेस्ट भी लेकर बैठे हैं। अभी मेरे सामने खड़े हुए हैं हाजी रफीक साहब के जो बेटे हैं, वो तो अभी हाजी जी ने जो बताया था कि उनके फादर भी निहारी बनाते थे और फादर के फादर भी निहारी बनाते थे। तो बेसिकली ये 4th जनरेशन है, जो कि अभी हाजी जी के साथ में ये अभी थोड़ा काम करते हैं, लेकिन आगे जाके इन्हीं को ये सेटअप संभालना है। ऐसे ही है। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान, तो अभी क्या करते हैं? आपने कुछ सीखी निहारी वगैरह? जी निहारी बनानी भी आती है, अभी हमें निकालनी भी आती है। जब पापा नहीं होते तो हम ही निकालते हैं। नहीं बड़ा वाला भाई भी है, सुबह में वही बैठते हैं। जी तो आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? ये 4 साल हो गए। 4 साल से? जी।
ये लग रहा है अपने लिए भेजा, ये देखें गाइस। तो गाइस ये देखिए जरा, ये है मटन भेजा। और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, ये निहारी जो है वो बकती है और इसके अंदर जो भेजा जाता है वो जाता है मटन का। तो अभी ट्राई करते हैं। ओ, सबसे पहले तो रोटी की तारीफ सुन लीजिए कि रोटी बहुत ही लाइट वेट है और एकदम सॉफ्ट रोटी है जो कि हर कहीं नहीं मिलती है। वो भी बना दें एक बढ़िया सा बाइट। और ये जो मैं बता दूँ, ये जो इसके अंदर पीस डाला हुआ है जो बॉडी रखी हुई है, ये हमारे लिए स्पेशली रखी गई थी। ये देखेंगे ये ही, और थोड़ी सी इसमें लगाएंगे मल्ली और थोड़ी ग्रेवी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यही वो खाने हैं जो आपकी रूह को सुकून पहुंचाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात है खाना जो होता है पेट भरने की चीज़ होती है, ये चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। लेकिन असली खाना वो होता है जो आपकी ज़बान को छुए और आपके दिल को, आपकी रूह की रूह को सुकून पहुँचाए। तो ये वही खाना है जो आपका दिल एकदम खुश कर देगा। तो अभी ट्राई करते हैं इनका भेजा। देखिए किसी भी चीज़ का जायका कैसा है ये चीज़ पहले आंखें बता देती हैं। अगर कोई चीज़ हमारी आंखों को पसंद आ रही है तो सीधी सी बात हमारी ज़बान को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो अभी हम लेते हैं थोड़ा सा भेजा। देखिएगा ये मटन भेजा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मटन भेजा है देसी घी वाला। ये देखिएगा भेजा इतना सॉफ्ट है कि ये रोटी को भी मेल्ट कर रहा है अपने साथ। भेजा खुद में इतना सॉफ्ट है कि जो रोटी का बाइट बन रहा है इसके साथ वो रोटी को भी मेल्ट कर रहा है। बहुत ही शानदार भेजा है, बहुत ही शानदार निहारी है। अच्छे मसाले हैं, जलन करने वाले मसाले बिल्कुल नहीं हैं और बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका। और होगा भी क्यों नहीं, कम से कम 100 साल से ये लोग कंटिन्यू हर रोज़ यही काम करते हैं तो जायका तो बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे भी बताना चाहती हूँ, खाना खाते खाते मुझे कुछ बात याद आ गई है कि मेरे पापा जो हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जी का लहजा इतना अच्छा है कि एक अलग ही चीज़ है, बहुत लहजे से बात करते हैं और किसी भी कस्टमर को खाली पेट नहीं जाने देते। अगर किसी के पास पैसे कम हो तो भी वो यहाँ से भरकर पेट जाता है। और यही वजह है इनके हाथ में जायका इतना ज़्यादा है कि जो बड़े बड़ा नाम लेकर बैठे हुए हैं ना, तो मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ कि चाहे जितना बड़ा नाम लेकर बैठे हैं, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग लेकर बैठे हैं, ऐसा जायका उनके हाथ में हो ही नहीं सकता जैसे अपने हाजी जी के हाथ में है। तो गाइस वैसे तो बहुत रश है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, जैसे कि मेरे सामने बैठे हुए हैं ये भैया। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। मोहम्मद फैज़, तो कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ बचपन से, काफ़ी टाइम से मेरी बचपन से आँखों के सामने की दुकान है। 8-10 साल लोग अभी यहीं की नारी खाते हुए इलाके में, वैसे तो 4-5 दुकान है नारी की, मगर इस हाजी रशीदों के नारी की दुकान का टेस्ट आपको ऐसा अलग ही मिलेगा, बेहतरीन टेस्ट मिलेगा, एक नंबर। आप आओगे तो क्वालिटी और चीज़ मिलेगी आपको इस नारी के अंदर, बिल्कुल आएंगे तो एक बार आप खुश होकर आएंगे, फिर दोबारा आएंगे खाने। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी निहारी खाई है तो जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि मुझे तो उससे भी बेटर लगी है निहारी। और वो है भेजा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि किसी भी तरह की इसमें स्मेल नहीं। आपने कभी भेजा ट्राई किया? जी मैंने सब ट्राई कर रखा है, मैं बचपन से ही हूँ, मेरी आंखों के सामने की दुकान है। आपको जो है साफ सुथरी चीज़ मिलेगी यहाँ पे बिल्कुल, और क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी। अगर आप अपनी आंखों से भी आके देखोगे तो आप खुश होकर जाएंगे, आप बार बार अपनी फैमिली को भी ले जाएंगे आपको खाने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। चलिए सर थैंक यू, अभी आप खाना वाना खाइए। तो देखिए गाइस ये है हाजी रफिंग निहारी वालों के यहाँ का क्रेज। देखिए धीरे धीरे किस कदर रस यहाँ पर बढ़ रहा है और जिस तरह से टाइम बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से यहाँ पर रस बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली हम काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी वेट भी करते हैं यहाँ पर आकर। और अब मैं बार बार आपसे क्या ही बोलूँ कि इनके जैसा जायका शायद ही कहीं पर मिलेगा आपको। तो जवाब में और साथ में जो भेजा इन्होंने सर्व किया था वो भी काफ़ी शानदार था, कोई इसमें नहीं थी।
और अगर किसी को ऐसा लगता है कि बेकरी से स्मेल आती है तो एक बार यहाँ पर आकर जरूर ट्राई करें। तो भाई यहाँ की बेकरी यहाँ की तो बहुत कभी कभी बाई चांस मिल जाती है, हर कोई इतना अच्छा टेस्ट इतना अच्छा जायका नहीं दे पाता है। अपनी अच्छी होती है लेकिन कुछ जायके अलग होते हैं, उनकी हटकर होते हैं। लगभग 100 साल से इसी तरह की यहाँ बनाए जाते हैं, तो कुछ तो खास खास होगी। तो खैर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार यहाँ पर आकर जरूर यहाँ आए, अपनी फैमिली के साथ आएँ या फिर आप ट्रैक बनाकर ले आए, लेकिन एक बार यहाँ की निहारी जरूर एंजॉय करें। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे अच्छे खाने खाते हैं।